नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रिपब्लिक इंडिया के इस चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक दुनिया भर की समाचार पहुंचाते हैं निष्पक्ष के साथ में। दोस्तों, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोस्तों मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए दोस्तों उनके समर्थन में जो लोग हैं वो रोड पर उतर चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उनके लिए पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि मनीष कश्यप जल्दी रिहा हो जाए। लेकिन दोस्तों एक बात मुझे बताइए, क्या ये लोग पागल हैं? दोस्तों, मेरी वीडियो देखने वालों में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मनीष कश्यप के विरोध में होंगे, कुछ लोग मनीष कश्यप के सपोर्ट में होंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो उनके समर्थन में रोड पर उतरे हैं। दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग पागल हैं। दोस्तों, उन्हें पता है कि मनीष कश्यप वो इंसान है जो अगर हमारे प्रति सरकार तक कोई आवाज़ पहुँचानी हो तो वो उसे पहुँचाएगा, और उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है मनीष कश्यप पे कि वो हमारे ऊपर किसी भी अत्याचार को वो होने नहीं देगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि मनीष आर्मी के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके पक्ष में वो उतर कर उसे जल्दी रिहा करवाया। ऐसा नहीं दोस्तों कि वो रिहा नहीं होता, लेकिन कब होता ये नहीं पता। अगर मनीष कश्यप उसके बीच बचाव में या फिर उसके मुद्दे को न सरकार तक पहुँचाते, लोगों के बीच में नहीं लाते, तो दोस्तों सच और झूठ साबित होने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाते। दोस्तों, क्या मनीष कश्यप निर्दोष है? अगर निर्दोष हैं तो उन्हें जेल के पीछे सलाखों में क्यों डाला गया? दोस्तों, अगर मनीष कश्यप दोषी भी हैं किन्हीं मामलों में, तो दोस्तों वो गलती वो जुर्म तो बहुत सारे मीडिया वालों ने, बहुत सारे यूट्यूबर वालों ने किया है। क्यों सिर्फ उन्हें ही सलाखों के पीछे डाल दिया गया और लोगों के घर पर कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुई? दोस्तों, ये जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि राजनीति जो है ना वो बहुत गंदा खेल है, और दोस्तों वही खेल खेला गया है मनीष कश्यप के साथ। दोस्तों, इस राजनीति के गंदे दलदल में मनीष कश्यप को फंसा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप बेगुनाह है ये सब जानते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूर और हिंदी भाषियों को जो मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अगर वो बात झूठ भी है तो मनीष कश्यप को मतलब ये सपना तो नहीं आया था, वो भी न्यूज वालों के तहत लोगों से सुन के इस बात के बारे में जाँच पड़ताल करने तमिलनाडु पहुँचे या फिर उसके ऊपर वीडियो बनाया। और दोस्तों, अगर उन वीडियो में सच्चाई नहीं थी तो मनीष कश्यप ही क्यों? दोस्तों, और यूट्यूबर और मीडिया वालों को भी तो जेल के पीछे डालना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मनीष कश्यप को एक बहुत बड़े राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि समाज में सलाखों के पीछे वही लोग जाते हैं जो समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो समाज के लिए निरपेक्ष होकर किसी बात को सरकार के पास पहुँचाते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप भी यही कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे डालने का जो असली वजह है वो सिर्फ राजनीति है। दोस्तों, अगर मनीष कश्यप में गलती है तो दोस्तों उन सभी मीडिया वाले, उन सभी चैनलों वालों पे गलती है जिन्होंने पहले ही तमिलनाडु पे हो रहे बिहारियों पे अत्याचार को लेकर वीडियो बनाया था, जहाँ बड़े बड़े इंटरव्यू हुए, राजनीति लोगों को बैठा के इंटरव्यू लिया जा रहा था, आप उन सभी को जेल के पीछे डालिए, सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। मनीष कश्यप का जो चेहरा था दोस्तों समाज में एक बहुत बड़ा नाम बनते जा रहा था, मतलब यूँ कहें तो दोस्तों मनीष कश्यप अपने काम के बल पे लोगों के प्यार और दिलों में इतनी बड़ी जगह बना चुके थे, शायद राजनीतिक दल वालों को ये डर हो चुका था कहीं मनीष कश्यप की वजह से हमारी कुर्सी न छीनी जाए। और दोस्तों एक राजनीतिक दल ये भी सोच रहा था अगर मनीष कश्यप को फंसा दिया जाए, मनीष कश्यप अगर जेल जाते हैं तो जो सरकार है वो सरकार कहीं डूब जाएगी और हमें गद्दी पे बैठने का मौका मिलेगा। और दोस्तों बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज का एक बहुत बड़ा पक्ष कह रहा है। आप समाज में बैठिए और इन बातों को सुनिए, मनीष कश्यप के पक्ष में और मनीष कश्यप के विपक्ष में कौन लोग हैं और वो क्यों हैं। दोस्तों जितनी जल्दी मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई इन सभी बातों को लेके, दोस्तों मुझे तो लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम होता तो उसको भी इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर बिहार की पुलिस ऐसे पीछे पड़ गई थी जैसे मनीष कश्यप मतलब बहुत भागे हुए पेशेवर मुजरिम है। और दोस्तों कुड़की जब्ती उनके घर में, तो दोस्तों ये तो मतलब शर्मनाक काम है प्रशासन के द्वारा कि दोस्तों कुड़की जब्ती, तो मैं तो कहता हूँ मुझे लगता है कि उन लोगों के घर होता है जो किसी बहुत बड़े जुर्म को अंजाम दे के भाग गए हैं, जिनको खोजा नहीं जा पा रहा या फिर उनको घर वाले छिपा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है, उनके घर पे कुड़की जब्ती होती है। लेकिन दोस्तों मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं, जो एक इज्जतदार पत्रकार हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि मनीष कश्यप के ऊपर कोई संगीन जुर्म का आरोप लगा हो। अगर ऐसा होता तो हमें मान लेते कि चलो उनको जल्दी से जल्दी पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप को पकड़ा है और वो ये साबित कर रही है कि मनीष कश्यप को हमने दबोच लिया है, वो सरेंडर करने जा रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया, अरे भाई वो भाग के नहीं जा रहे थे कहीं, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को गोली नहीं मारी,
और न ही उनके प्रति कोई संगीन जुर्म का अपराध रिकॉर्ड है। दोस्तों मनीष कश्यप सिर्फ सही रास्ते पर चल रहे थे और यही दोस्तों राजनीतिक वालों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों उनका ये फंडा है कि ना हम बढ़िया काम करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। और दोस्तों आपने देखा कि कैसे बिहार में जो गंदी राजनीति हो रही है उसके तहत दोस्तों मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप घबराइए मत दोस्तों, जो समर्थन में लोग उतरे हैं दोस्तों ऐसे नहीं है कि वो समर्थन में ऐसे उतर गए, लेकिन दोस्तों उनका जो समर्थन है वो जरूर रंग लाएगा और मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आप धरना प्रदर्शन करिए लेकिन कानून को देखते हुए, ऐसा ना हो कि दोस्तों हम मनीष कुमार के छवि को हम बर्बाद कर दें। दोस्तों मनीष कश्यप हमारे लिए शांति रूप से प्रदर्शन करते थे और हम भी दोस्तों उनके रास्ते कदम पे चलते हुए दोस्तों हम भी शांति रूप से प्रदर्शन करेंगे और सरकार। और दोस्तों मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मनीष कश्यप के विरोध में सिर्फ इसलिए हैं कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव के ऊपर एक विवादित बयान दे दिया था। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपकी कोई बात सरकार तक पहुँचानी हो तो मनीष कश्यप और मीडिया पत्रकार ही आपके काम आएंगे, ना कि तेजस्वी यादव आपके घर आके किसी समस्या को सुनेंगे। और दोस्तों कुछ लोग तो मीडिया का इसलिए भी बहिष्कार करते हैं कि उनके नज़र में ऐसा लगता है कि मीडिया अपने व्यू के लिए पैसे कमाने के लिए किसी जीरो को हीरो बना देती है, किसी के ऊपर कुछ वीडियो बना देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, गलत सही तो हर फील्ड में है दोस्तों, आप हर क्षेत्र में उठा के देखिए, बुरे अच्छे दोनों आदमी मिलेंगे। लेकिन इसका और दोस्तों आखिरकार मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों आप शांति रूप से प्रदर्शन करिए, मनीष कश्यप जल्द बाहर आएंगे। और दोस्तों आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दोस्तों उन लोगों के आंखों पे से पट्टी हट जाए जो मनीष कश्यप का बेवजह विरोध कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल रिपब्लिक इंडिया को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।